फूड फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री के अंदर जो काम करने आने वाले हैं, जिन्होंने सोचा है कि हम फूड फैक्ट्री में जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके लिए हॉस्टल का है वो फ्री हो चुका है। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शुभम और मैं आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो कि नए नए वर्क करने आए हैं रशिया में, और उनका एक समस्या है कि भाई हमारी सेविंग नहीं हो रही है, हमारे मतलब 60-70 हज़ार रुपये भी नहीं बच रहे हैं। ऐसे उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि मेरे साथ भी हुआ था जब मैं रशिया में नया नया आया था। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ, आप जो लैंग्वेज कोर्स पे आने वाले हैं उनकी फ़ीस बढ़ने वाली है 1 अगस्त से, तो वो सबकी बढ़ेगी। तो जो भी आ रहे हैं, अगर वो 31 तारीख से पहले पहले अगर अप्लाई करा देते तो बढ़िया है, नहीं तो 1 अगस्त से फ़ीस बढ़ने वाली है। दूसरा, जो फूड फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री के अंदर जो काम करने आने वाले हैं, जिन्होंने सोचा है कि हम फूड फैक्ट्री में जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उनके लिए हॉस्टल का है वो फ्री हो चुका है, बट उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो टर्म एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। वो टर्म एंड कंडीशन मैं आपको तब बताऊँगा जब आप मेरे को मैसेज करेंगे, जो आना चाहता है, जो इंटरेस्टेड होगा उसको मैं टर्म एंड कंडीशन बता दूंगा क्या है टर्म एंड कंडीशन। बट ये है कि अभी आपका जो हॉस्टल है वो फ्री हो चुका है, खाना है ही उसके अंदर। और चलो मैं अभी आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि आपकी सेविंग कैसे होगी, या सेविंग आपको कैसे करनी है, या फिर आपकी सेविंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए, सबसे सिंपल रूल है, ये एक होता है कि सबको पता होना भी चाहिए, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, एक कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री कुछ भी कर रहे हैं ना आप, तो आप मान के चलो स्टार्टिंग में आपका 3 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, 2 से 3 गुना ज़्यादा खर्चा होगा। ये इसलिए है क्योंकि आपको वहाँ के आइडिया नहीं रहता है, कुछ पता नहीं रहता है कि वहाँ पे क्या ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, क्या चीज़ क्या होती है। जैसे इनके सब एग्ज़ाम्पल में अपन ले लेते हैं, इंडिया से कोई आ रहा है रशिया, उसको खाना है चावल दाल या फिर जो भी, वो नॉनवेज खाता है तो चिकन वगैरह, उसको जो भी खाना है, अभी वो क्या करेगा, वो जाएगा दुकान में, देखेगा उसको ये चीज़ दिख रही है, वो ख़रीद लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये चीज़ महंगी है सस्ती है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। अगर जो चीज़ 50 रुपये की मिलती है वो 200 रुपये में ख़रीद लाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सस्ती है कि महंगी है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा। दूसरी बात, उसको काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदनी होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी घर भी ख़रीदते हैं ना, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नहीं ख़रीदनी होती है मार्केट से, एक बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, या फिर जो भी रहता है आपका चीज़ें रहती है ख़रीदनी होती है। फर्स्ट टाइम आएगा तो वो सारी चीज़ें ख़रीदेगा, प्लस सिम वगैरह लेगा, उसके बाद में मेट्रो का कार्ड वगैरह लेगा, मेट्रो का रिचार्ज करेगा, उसके बाद वो समझेगा कहाँ से जाना है, कई बार वो मिस्टेक कर देगा तो टैक्सी लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना। नया नया काम करते हैं तो उसके अंदर भी वो कई बार छुट्टी ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता तो उसके अंदर भी रहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हम 1 महीने 1.5 महीने हो गए और हम अभी तक हमने कुछ कमाया नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम रशिया में आया था तो मेरे बता रहा हूँ कि 2 से 3 महीने में 2 लाख के आसपास रूबल खर्च हो गए थे, और मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करा है मैंने, ना मैंने कुछ उड़ाया, मैं तो नॉर्मल सामान वामान लाने में पता ही नहीं था, जो भी दिख रहा है उठा के ला रहे हैं। अब ये नहीं पता कि महंगी हो है सस्ती है क्या है, क्योंकि हमें लगा यही होता है, पर धीरे धीरे सब पता चलता है। और मैं आपको बता दूँ, जब मेरे को ये सब कुछ पता चला तो उस टाइम पे जो मेरा महीने का खर्चा था ना, वो लगभग हो गया था मेरा 5 से 7 हज़ार, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ पे क्या चीज़ मिलनी है, कौन सी खानी है। अगर आप बाहर खाओगे, हाँ, अगर वो बात अलग है कि आपके शौक है सिगरेट पीने के, दारू पीने के, तो उसके अंदर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई भी कुछ कर सकता है, बट अगर आप बाहर खाते हो तो उसका खर्चा अलग रहता है। मैं जस्ट आपको सिंपली बता रहा हूँ कि नॉर्मल घर पर बनाते हो। और रही बात वर्क वीज़ा वालों की, जैसे जो वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं उनका ये है कि भाई आप वर्क करने के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जो वर्क करने के लिए आते हैं, उनको ये बता दूँ कि आप स्टार्टिंग के अंदर आप आओगे ना तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा होगा, वो आप पहले से दिमाग में लेके चलो कि आने के बाद 1 से 2 महीने मेरे को वहाँ पे समझने में लग जाएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको स्टार्टिंग में समझने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद में आपकी सेविंग होगी। क्योंकि अगर कोई वेल प्रिपेयर्ड है जो कि ऑलरेडी बाहर रह चुका है, या फिर उसको समझ है, या फिर ज़्यादा जीनियस है, तब वो ज़रूर सेविंग कर सकता है, वो सेविंग बचा सकता है। बट आप ये प्रिपेयर्ड होके नहीं आए कि मेरे को पहले महीने ही जाते ही मेरे पास इतना पैसा बच जाएगा। दूसरा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे अभी मेरी बात हुई है, वो कुछ पैसे उधार लेके आए किसी से, कुछ कर्जा करके आए, तो वो बोल रहे थे कि हमने इतना महीना। तो मैं आपका कहने का मेरा यही मतलब है, आप आ रहे हो, काम है, सब कुछ सही है, बट आपका जो खर्चा होगा ना वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि बस
ये सोच के आए कि हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं, हम बचाएंगे, थोड़े टाइम लगेगा हमें सब वहाँ पे, समझ जाओगे आप। दूसरी बात, आजकल मैं जो भी वीडियो डालता हूँ ना, तो उस पर कमेंट आते हैं, कुछ और लोग वीडियो बना के डालते तो उन पर भी मेरे बारे में कमेंट होते हैं, मेरे को कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है। और मेरे को यही पता है जो मेरे पास कमेंट करता है वो कौन है, उसको मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में लताड़ा था, बताया था, पर हिम्मत नहीं है उसकी असली नाम बताने, वही फेक आईडी है, मेरे को पता है वो कौन है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। जिस टाइम वो उसने लिया अपना नाम या फिर कुछ करा, मतलब अपने नाम लिया उसने मेरा कहीं पे भी वीडियो में, उसने खुद का नाम लिया अपना, मतलब अपना खुद का, तब मैं उसका बताऊंगा, मेरे को पता है कि वो कौन है। बाकी फेक लोग, फेक कमेंट्स बहुत सारी हो रही है आजकल, लोग बाग भी फेक आ रहे हैं, क्योंकि और जिन्होंने काम करा है उनको पता है कि कैसे है यहाँ पे, कैसे और लोग कैसे करते हैं, मैंने क्या करा है, क्या मैंने बोला है, जो बोला है वो करा है कि नहीं करा, लोग बाग का प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ है। बाकी अगर किसी को आना है तो मोस्ट वेलकम है, वेबसाइट बन रही है, टाइम लगता है, लग रहा है अभी, पहले नहीं था इतना, पहले मैं रिप्लाई कर देता था, पर अभी ये है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सबका। ऐसा है कि जिस टाइम आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसी टाइम पर और भी काफ़ी सारे लोग कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए हो जाता है। बाकी आप थोड़ा सा वेट करें, वेबसाइट शायद इस नेक्स्ट वीक तक बन के रेडी हो जाएगी। वेबसाइट एक बार रेडी हो गई तो उस पर सारा प्रोसेस सिंपल रहेगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको वेबसाइट यूज़ करनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको बार बार मेरे को मैसेज करना नहीं रहेगा, उसमें सारा सब कुछ रहेगा, तो आप अच्छे से ईजिली समझ जाएंगे। अभी मेरा यही है, फूड फैक्ट्री की आपने वीडियो देखी है, फूड फैक्ट्री का है, बाकी उसके अंदर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन नए नए अप्लाई हुए, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम काम करा था ऐसा इंडियंस के साथ में, मेरे साथ में, तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आई, वो उन्होंने नई नई टर्म एंड कंडीशन लगाई, वो भी उनका मानना भी ठीक है। तो जब आओगे तब उस टाइम मैं पूरा एग्रीमेंट करूँगा आपका वहाँ पे इंडिया ही, तब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से नहीं है। बाकी काफ़ी सारे मेरे पास कॉल भी आते हैं, कुछ सही लोगों के इतने सारे कॉल आते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हेटर्स बोल सकता हूँ मैं उनको, कमेंट भी करते हैं, फिर वो बोलते हैं इतना कैसे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो मेरे पास देखो उन सबका टाइम नहीं है इतना जवाब देने का, एक को मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, उसका पिछले उसके अंदर कमेंट भी शो कराए थे कि विजिट वीज़ा पे आ जाओ, इतने पे 1.5 लाख में करा दूँ, और ये वो फर्जीवाड़े कमेंट आते हैं, मैं उसको जानता हूँ कौन है, वो फेक आई डी से है, वो असली आई डी आने का वेट कर रहा हूँ कब वो अपनी असली आई डी से कमेंट करेगा, क्योंकि पहले उससे कमेंट हो गई है और उससे व्हाट्सएप भी बात हो चुकी है मेरी, उससे अच्छे से मैं जानता हूँ उसको। बस यही है दोस्तों, आप देखते रहो, असली और नकली की पहचान लोगों को हो जाती है कि जो बात करता है ना उसी से लोगों को पता चल जाता है। लोग बाग बेवकूफ़ नहीं है, जो देखते हैं कॉल करते हैं वो समझदार होते हैं कि भाई किस पे क्रश करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। और बाकी यहाँ पे लोग आए हैं पीठ पीछे से मेरे को वो कुछ भी बोल सकते हैं, अगर मैं गलत करूँगा तो ऑफकोर्स वो गलत बोलेंगे, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को कोई नहीं बोलेगा। बाकी एक और बात है जो कि मेरे को एक दोस्त ने बोली थी कि अपन हर कोई को कुछ नहीं कर सकते, 100 में से 100 को कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बात यह है उस टाइम परसेंटेज देखी जाती है। तो आप आइए, बाकी मेरे को तो अभी पता नहीं कौन क्या बुराई करता है पीछे से, एक का वीडियो जल्दी आने वाला है, उसने कुछ तो कमेंट करा था और उससे बात होगी पूरी वीडियो पर। बाकी आप वीडियो पे बने रहिए, ऐसे देखते रहिए, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको मैनेज करना है। बाकी जैसे आप यहाँ पे रहेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे कैसे क्या मैनेज करना होता है, महीने का खर्चा कैसे करना है, कैसे बचाना है, कैसे क्या सेविंग करनी है, कहाँ पे नहीं लगाना है पैसे, सब कुछ आप समझ जाएंगे। आप सब मैच्योर लोग हैं जो भी आ रहे हैं ना, बच्चे नहीं हैं आप, तो थोड़ा सा आप खुद भी सोचें समझें। अगर आ रहे हैं यहाँ पे, आप अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं तो आप काम करिए यहाँ पे, फालतू अपना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मज़े कर रहे हैं, आप मज़े करने आ रहे हैं तो मज़े करिए, अगर काम करने आ रहे हैं तो काम ही करिए आप, उस फिर उस हिसाब से ही कि हाँ मैंने जितने पैसे लगाए उससे वो 3 गुना कमा लूँ, उसके बाद आप मज़े करो, बिंदास मज़े करो, पर ये सोच के आइए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है मेरा, जब आप मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना, और इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके लिंक पे आप जाके उसको सब्सक्राइब चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आती है ना मैं तो फटाफट उस पर डाल देता हूँ, ताकि वो सब लोग पढ़ ले, कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं उस पर डाल देता हूँ। मेरा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी मैसेज करते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप वेट करें, कई बार क्या ऑटोमेटिक जो मैसेज रहता है वो जा नहीं पाता है, कुछ जितने सारे मैसेज आते हैं तो वो भी हैंग हो जाता है, तो वो भी जा नहीं पाता टाइम पर। बाकी वेबसाइट बन रही है और वीडियोस देखते रहे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।